अगर आप एक यूट्यूबर हैं और यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं तो आज की इस वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो आज की इस वीडियो पर हम लोग बात करेंगे यूट्यूब के क्लासिक स्टूडियो के बारे में। तो आज की इस वीडियो पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोग यूट्यूब के जो स्टूडियो बेटा वर्सन है उसको कैसे आप लोग चेंज कर सकते हो, यूट्यूब के जो पहले वाला वर्सन थे यूट्यूब क्लासिक वर्सन पर कैसे आप लोग चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र को अपने मोबाइल पर ओपन कर लीजिए और यहाँ पर जो 3 डॉट मेनू दिख रहा है यहाँ पर टच करके नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा डेस्कटॉप साइट, यहाँ पर टिक देकर रिफ्रेश कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मोबाइल पर कर रहे हो तो ऐसा करके आप सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को डेस्कटॉप साइट पर ओपन कर लीजिए और यहाँ पर जो आपका चैनल का लोगो दिख रहा है मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कैसे आप स्टूडियो बेटा वर्सन को क्लासिक क्रिएटर स्टूडियो पर कन्वर्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। उसके लिए आप यहाँ पर आपके चैनल के लोगो पर क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को यूट्यूब स्टूडियो दिख रहा है यहाँ पर आप लोगों को एक क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए ये थोड़ा रिफ्रेश होगा और यहाँ पर आपको तो देखिए यहाँ पर आपको जो वर्सन दिख रहा है स्टूडियो बेटा वर्सन आपको दिख रहा है। अगर आपको स्टूडियो बेटा वर्सन पर वीडियो अपलोड करने पर कोई भी प्रॉब्लम्स हो रहा है तो आप इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोग ये जो स्टूडियो बेटा वाला वर्सन है इसको कन्वर्ट करके यानी कि इसको चेंज करके आप लोग कैसे पहले वाला जो हम YouTube के क्रिएटर स्टूडियो यूज़ करते थे उसको आप कैसे चेंज कर सकते हो। उसके लिए नीचे आपको मैं यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ तो देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक लोगो दिख रहा है ये वाला, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे आप करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ यहाँ पर, उसके बाद देखिए बोला जा रहा है आप क्यों स्टूडियो बेटा को यूज़ नहीं कर पा रहे हो, उसका कोई रीज़न तो होगा। तो यहाँ पर आप कोई भी एक रीज़न दे दीजिए यहाँ से सेलेक्ट करके, तो मैं यहाँ पर सिंपली आदर्श का कर दूंगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर सबमिट ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर सबमिट पर हम लोग क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ये जो स्टूडियो बेटा वर्सन है हमारा यूट्यूब का जो बेटा वर्सन है ये ऑटोमेटिकली अभी जो YouTube का पहले वाला वर्सन था यानी कि YouTube क्लासिक क्रिएटर स्टूडियो जो था वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो देखिए वो YouTube के जो क्लासिक क्रिएटर स्टूडियो था वो यहाँ पर ओपन हो चुका है, क्लासिक क्रिएटर स्टूडियो यहाँ पर खुल चुका है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप अब आसानी से कोई भी वीडियोस को अपलोड कर सकते हो। दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं कि ये क्लासिक जो क्रिएटर स्टूडियो है ये जनवरी 2020 के अंदर यहाँ पर नहीं अवेलेबल होगा। अगर आप चाहोगे तो भी ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको स्टूडियो बेटा वाला वर्सन को सीखना ज़रूरी है। दोस्तों ऐसा करके आप आसानी से ये काम कर सकते हैं और वीडियो को अपलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए गुड डे।